सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाराबंकी में एक ऐसा भी इंसान है जो हर वक्त लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं सादिक हुसैन की, जो 20 सालों से लगातार सभासद हैं। जहां एक और पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगने के बावजूद सादिक हुसैन अपने इलाके में गरीबों के लिए राशन का इंतजाम में लगे रहते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं। यही वजह है कि सादिक हुसैन अपने इलाके के सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं। सादिक हुसैन ने बताया कि कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए हमने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसके लिए प्रशासन से मिलकर गरीबों में राशन बंटवाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी से गुजारिश की है कि आप लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। मेरा नाम सादिक हुसैन है, दुर्गापुरी वार्ड के सभासद हैं, वार्ड नंबर 22 के। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं बराबर जो है 4 बार लगातार जो है मैंने जो है सैनिटाइजर, मैराथन, फॉगिंग और दवाइयाँ सब जो है लीच जो है बराबर दवाइयाँ डलवा रहा हूँ। और लोगों से मेरा एक निवेदन है, जो सरकार द्वारा जो है लॉकडाउन किया गया है, आप लोग अपने अपने घरों में जो है रहें और क्योंकि अपने घरों की सुरक्षा खुद स्वयं खुद करें।